जैसा कि हम सबको मालूम है कि शिक्षण की अनेक विधियाँ होती हैं, चाहे शिक्षण किसी भी विषय का हो, भाषा हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, किसी भी विषय का हो, उसकी अनेक विधियाँ होती हैं। भाषा शिक्षण की भी अनेक विधि है, जिनमें से कि एक विधि व्याकरण अनुवाद विधि है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये व्याकरण अनुवाद विधि है क्या? तो जैसे ही इस शब्द को या इस पद को हम सुनते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विधि के द्वारा भाषा का शिक्षण करते समय व्याकरण एवं अनुवाद का सहारा लिया जाता है। इस विधि को अनुवाद विधि एवं भंडारकर विधि भी कहते हैं। इसे भंडारकर विधि कहने के पीछे कारण यह है कि डॉक्टर रामकृष्ण भंडारकर ने पाश्चात्य प्रणाली के आधार पर संस्कृत शिक्षण में इस विधि का प्रयोग किया। इसे अनुवाद विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी अन्य भाषा जिसे कि विद्यार्थी सीखना चाहता है के व्याकरण को विद्यार्थी के मातृभाषा या अनुदेशन की भाषा अर्थात जो शिक्षण का माध्यम है जो भाषा, उस भाषा में अनुदित करके पढ़ाया जाता है। इस प्रकार भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि से आशय उस विधि से है जिसमें किसी भाषा के अध्ययन अध्यापन के लिए विद्यार्थी को उस भाषा विशेष के व्याकरण का ज्ञान अनुदेशन की भाषा या विद्यार्थी की मातृभाषा में अनुदित करके प्रदान किया जाता है। यह विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित विधि है। संस्कृत, लैटिन, अरबी, ग्रीक आदि प्राचीन भाषाओं का शिक्षण इसी विधि से होता आया है। द्वितीय भाषा शिक्षण से यहाँ तात्पर्य हो जाता है विद्यार्थी जो भाषा जानता है या जो उसकी मातृभाषा है या जो शिक्षण अधिगम का माध्यम है जो भाषा, उस भाषा को छोड़कर विद्यार्थी जो भाषा सीखता है उसे द्वितीय भाषा की संज्ञा यहाँ दी गई है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए यह विधि सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित मानी गई है। भारतवर्ष में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने संस्कृत भाषा के शिक्षण के लिए किया था। उन्होंने संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए इस विधि पर आधारित दो पुस्तकों का लेखन किया था। बाद में कुछ अन्य विद्वान जैसे कि वामन शिवराम आप्टे, मोरेश्वर रामचंद्र काले आदि ने भी इस पद्धति पर आधारित संस्कृत शिक्षण की पुस्तकों का विकास किया और भारत में धीरे धीरे यह पद्धति प्रचलित हो गई। इस विधि के प्रयोग के पीछे जो मान्यता कार्य करती है वह यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य भाषा के साहित्य का अध्ययन तथा उसका मूल्यांकन उतनी ही अधिक दक्षता के साथ करता है जितनी अधिक जानकारी उसे उस भाषा विशेष के व्याकरण की होती है। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि अनुवाद अन्य भाषा में अभिव्यक्त विचारों को सरलता से समझने का माध्यम है। अब यदि एक हिंदी भाषी विद्यार्थी आंग्ल भाषा के यानी कि अंग्रेजी के किसी उपन्यास को पढ़ता है तो वह उसे उतना ही समझ सकता है जितना कि उसे अंग्रेजी भाषा के व्याकरण का ज्ञान है। लेकिन उसी उपन्यास को अगर उसकी मातृभाषा या हिंदी में अनुदित करके उसे पढ़ने के लिए दिया जाए तो जो कुछ भी विचार, जो कथा वस्तु उस उपन्यास में बताई गई होगी वो उसे आसानी से समझ सकता है। तो इसलिए इस विधि में व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ अन्य भाषा से मातृभाषा में तथा मातृभाषा से अन्य भाषा में अनुवाद कराया जाता है। अन्य भाषा से यहाँ हमारा आशय उस भाषा से है जिसको कि विद्यार्थी सीख रहा होता है या सीखना चाहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस विधि का प्रयोग क्यों करें, इस विधि के निहित उद्देश्य क्या हैं? तो
पहले उद्देश्य के रूप में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में अन्य भाषा के व्याकरण की विशेषताओं को याद करने की योग्यता का विकास करना ही इस विधि का उद्देश्य है। हर एक भाषा का अपना अलग महत्व होता है, हर एक भाषा की अपने व्याकरण के नियम होते हैं, हर एक भाषा की विशेषता होती है। अगर विद्यार्थी इसको नहीं समझेगा तो वो उस भाषा को ठीक ढंग से नहीं सीख पाएगा। जैसे कि हिंदी भाषा में हमारे पास उपसर्ग एवं प्रत्यय होते हैं, जो कि शब्द के शुरू एवं शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे हार शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगाने से प्रहार बन जाता है और उसका अर्थ होता है आघात करना या चोट पहुंचाना, और उसी हार शब्द के अंत में अगर ना जोड़ दिया जाए तो वो क्रिया बन जाती है जिसका अर्थ होता है किसी खेल में पराजित हो जाना या किसी युद्ध में पराजित हो जाना, हार जाना आदि। तो उर्दू भाषा में हमारे पास उपसर्ग एवं प्रत्यय के साथ साथ दो शब्दों के बीच में एक नया शब्द रखकर भी शब्द बनाने की प्रक्रिया है। ये उर्दू भाषा की अपनी विशेषता है। जैसे सफा और अव्वल के बीच में उल जोड़ने से सफा उल अव्वल यानी प्रथम श्रेणी बन जाती है। इस विधि का दूसरा उद्देश्य है सीखी जाने वाली भाषा को व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार शुद्ध एवं सही रूप से लिखने की कुशलता का विकास करना। भाषाई कौशलों में एक कौशल होता है लेखन कौशल। लेखन कौशल भाषा के लिए बहुत ही जरूरी है। अतः विद्यार्थी शुद्ध शुद्ध व्याकरण के नियमों से परिनिष्ठित होकर लिख सके, इस कुशलता का विकास करना भी आवश्यक है। तो व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा उद्देश्य होता है सीखी जाने वाली भाषा को व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार शुद्ध एवं सही रूप से लिखने की कुशलता का विकास करना। विद्यार्थियों में अनुवाद कौशल, जो कि भाषा सीखने का एक आवश्यक तत्व है, का विकास करना, तथा विद्यार्थी में सीखी जाने वाली भाषा की समझ विकसित करना, ये व्याकरण अनुवाद विधि के उद्देश्य हैं। अब इस विधि की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम इस विधि के माध्यम से शिक्षण प्रदान करेंगे? तो सबसे पहले इस विधि में विद्यार्थियों को व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, फिर व्याकरण के नियमों के अभ्यास के लिए अनुवाद एवं अन्य अभ्यास कार्यों द्वारा द्वितीय भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस विधि की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट ढंग से हम निम्नलिखित सोपानों के माध्यम से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम हम सीखी जाने वाली भाषा का व्याकरण पढ़ाते हैं। उस व्याकरण के जो भी नियम हमें पढ़ाने होते हैं वो हम विद्यार्थियों को बता देते हैं। फिर इस विधि पर आधारित स्वयं शिक्षण मालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को स्व अध्ययन के अवसर प्रदान किए जाते हैं, अर्थात कुछ ऐसी अभ्यास पुस्तिकाएं, कुछ ऐसी पुस्तिकाएं बनाई जाती हैं जो व्याकरण एवं अनुवाद विधि पर आधारित होती है और जिनके माध्यम से विद्यार्थी स्व अध्ययन करके उस भाषा के व्याकरण को सीख सके। अनुवाद इस प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है, इसलिए व्याकरण के नियमों को पढ़ाने के बाद और स्व अध्ययन के अवसर देने के बाद मातृभाषा या अनुदेशन की भाषा के अवतरणों का, यानी उस भाषा में लिखे हुए कुछ अंश का द्वितीय भाषा में या जो भाषा विद्यार्थी सीख रहा हो उसमें अनुवाद कराया जाता है। साथ ही साथ हम द्वितीय भाषा के अवतरण का या जो भाषा विद्यार्थी सीख रहा हो उसके अवतरण का मातृभाषा में भी अनुवाद कराते हैं। अनुवाद के अभ्यास द्वारा सीखी जाने वाली भाषा के शब्दों एवं वाक्य रचनाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी अनुवाद सिर्फ अनुवाद के लिए नहीं होता है, उसमें उस भाषा के जो शब्द हैं, जो वाक्य रचना है, वाक्य रचना में जो शब्दों का संयोजन होता है, इन सारी चीजों का हम ज्ञान प्रदान करते हैं। अनुवाद के प्रत्येक अध्याय के साथ साथ व्याकरण के विभिन्न नियमों एवं सूत्रों का भी ज्ञान प्रदान किया जाता है,
जैसे अगर सकारात्मक वाक्य हो तो किस प्रकार से अनुवाद करेंगे, नकारात्मक वाक्य हो या प्रश्नवाचक वाक्य हो तो किस प्रकार से अनुवाद करेंगे, किस काल का अर्थात किस टेंस का वाक्य है तो उसका अनुवाद कैसे होगा, आदि जो व्याकरण के नियम एवं सूत्र है वो भी हम साथ साथ में देते जाते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि में अपनाए जाने वाले जो शिक्षण सूत्र हैं, अमूमन 8 शिक्षण सूत्रों की बात की गई है, तो हर एक विधि में एक या एक से अधिक शिक्षण सूत्रों को अपनाया जाता है। तो इस विधि में यानी व्याकरण अनुवाद विधि में जो अपनाए जाने वाले शिक्षण सूत्र हैं, प्रमुखतः 2 शिक्षण सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं, सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। सरल से कठिन यानी विद्यार्थी को हम सबसे सरलतम जो संप्रत्यय है व्याकरण का, जो व्याकरण का सबसे सरल पाठ होता है, सबसे सरल नियम होता है, पहले वो बताते हैं और फिर धीरे 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 हम उसको कठिन नियमों की ओर, जटिल नियमों की ओर ले जाते हैं। जैसे अगर हम हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी को, हिंदी भाषा का व्याकरण बता रहे हो, तो हम सबसे पहले व्याकरण क्या है, भाषा क्या है, वर्ण क्या है, लिपि क्या है आदि से शुरू करके और फिर संधि, समास, कारक, वाच्य जैसे कठिन संप्रत्ययों की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात यानी कि जाना हुआ और अज्ञात जिसे हम नहीं जानते हैं। तो विद्यार्थी जो जानता है वहां से शुरू करके और जो नहीं जानता है वहां तक ले जाना इस सूत्र का उद्देश्य होता है। अब अगर उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करें, इस पूरी प्रक्रिया को उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो कुछ इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। मान लीजिए कि किसी आंग्ल भाषी विद्यार्थी को, कोई विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजी भाषी है और उसको हिंदी भाषा के कारक का संप्रत्यय पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम उसे कारक की परिभाषा बताते हैं कि कारक है क्या। उसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को लंका में बाण से मारा। अब परिभाषा में कहा गया कि संज्ञा या सर्वनाम का, तो सबसे पहले हम इस उदाहरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द खोजेंगे, तो हमें यह मिलता है कि इस वाक्य में जो 4 संज्ञा शब्द राम, रावण, लंका एवं बाण आए हैं वो एक दूसरे से एवं वाक्य में अन्य शब्दों से भी संबंधित हैं, तो इन संबंधों को ही हम कारक कहते हैं। इतनी बात बताने के बाद जब हम कारक की परिभाषा बता देते हैं तो विद्यार्थियों को कारक के प्रकार एवं उनके चिन्ह बताते हैं। अब उपरोक्त उदाहरण में प्रत्येक संज्ञा शब्द के उपरांत एक अन्य शब्द क्रमशः ने, को, में एवं से आया है, जो इन संज्ञा शब्दों के मध्य तथा क्रिया के साथ इन शब्दों का संबंध स्थापित करते हैं। इन शब्दों को कारक चिन्ह कहा जाता है और इन्हीं चिन्हों के आधार पर कारक के प्रकार का निर्धारण होता है। राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक, लंका में अधिकरण कारक और बाण से यानी करण कारक। इस प्रकार हम विद्यार्थी को यह बता सकते हैं कि उपरोक्त वाक्य में कारक के 4 प्रकारों को उनके चिन्हों के साथ प्रदर्शित किया गया है। वैसे हिंदी व्याकरण में कारक के 8 प्रकार होते हैं जिनके नाम एवं चिन्ह कुछ इस प्रकार हैं। कर्ता कारक शून्य यानी कि चिन्ह का लोप, जहां कोई चिन्ह न हो, या ने, उदाहरण स्वरूप राम पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक पढ़ने का काम राम है कर रहा है, अर्थात जो काम करता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं, लेकिन यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, चिन्ह का लोप है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से कहें या कोई दूसरा वाक्य ले, जैसे राम ने रोटी खाई, यहां भी
रोटी को खाने का काम राम के द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसे एक चिन्ह ने के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो कर्ता कारक में चिन्ह का लोप भी हो सकता है या फिर उसे ने चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। कर्म कारक शून्य यानी जहां चिन्ह का लोप हो और को। अब हम वापस से उन्हीं उदाहरणों को देखते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम किस चीज को पढ़ता है? तो पुस्तक को पढ़ता है, लेकिन यहां पर को चिन्ह का लोप है। और राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा, यानी यहां पर को चिन्ह लगा हुआ है। तो कर्म कारक में शून्य भी हो सकता है यानी चिन्ह का लोप भी हो सकता है और को चिन्ह के साथ भी वो आ सकता है। जो जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है, जो कार्य हो रहा है जिस पर उसका प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने मारा, मारने का काम हुआ। अब किसको मारा? उस मारने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? तो रावण पर। उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, इसलिए रावण यहां कर्म कारक है। करण कारक का चिन्ह होता है से, और आपादान कारक का भी चिन्ह होता है से, लेकिन दोनों में ये अंतर है कि करण कारक जहां साथ होने की बात करता है, आपादान कारक वही अलग होने की बात करता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि राम ने रावण को बाण से मारा। किस चीज से मारा? मारने का साधन क्या है? बाण। लेकिन अगर आपादान कारक के लिए उदाहरण दे तो हम ये कह सकते कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पत्ते गिर रहे हैं पेड़ से, यानी उससे अलग हो रहे हैं, उससे दूर हट रहे हैं। तो ये जो अलगाव का संप्रत्यय है, ये जो दूर होने का संप्रत्यय है, ये आपादान कारक के माध्यम से प्रकट होता है। संप्रदान कारक के लिए, इसका चिन्ह होता है के लिए। जैसे राम ने माँ के लिए साड़ी खरीदी। किसके लिए साड़ी खरीदी? तो माँ के लिए खरीदी। संबंध कारक, जो संबंध बताता है, इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री आदि। जैसे मेरी किताब। किसकी किताब? मेरी किताब। अब यहां पर री लगा हुआ है। पिताजी की गाड़ी। किसकी गाड़ी? तो पिताजी की गाड़ी, तो यहां पर की लगा हुआ है। तो ये संबंध कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर। जैसे हमने सबसे पहले जो उदाहरण लिया कि राम ने रावण को लंका में कहां मारा, तो लंका में मारा, ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। और संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अरे, ओ आदि। जैसे अरे मोहन कहां हो, तो अरे मोहन, मोहन को संबोधित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से हम विद्यार्थियों को बता सकते हैं कि कारक के 8 प्रकार होते हैं एवं उसके ये चिन्ह होते हैं। अब विद्यार्थी को सिर्फ बता देना, व्याकरण के नियम में कारक को पढ़ा देना ही काफी नहीं होता है। यह जानना भी पड़ता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, तो उसके लिए हम कुछ वाक्य देकर उससे कारक की पहचान करवा सकते हैं, या हम उपरोक्त उदाहरण की व्याकरणिक विश्लेषण के लिए भी उसे कह सकते हैं। जैसे राम ने रावण को लंका में बाण से मारा, ये एक वाक्य है, और इस वाक्य का व्याकरणिक विश्लेषण करना है। तो हम हर एक शब्द का व्याकरणिक दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। राम कर्ता कारक है या वाक्य का कर्ता है। अब इसका वचन क्या है? एक वचन है। पुरुष क्या है? अन्य पुरुष है। राम किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से हम रावण को देखते हैं। रावण कर्म कारक है या वाक्य का कर्म है? अन्य पुरुष है, एक वचन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से लंका व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि स्थान का नाम है, अधिकरण कारक है। बाण करण कारक है क्योंकि जो मारने का काम हो रहा है वो बाण के माध्यम से हो रहा है। और जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक प्रकार के हथियार का, एक प्रकार के अस्त्र का नाम ये बताता है। वाक्य का काल यानी सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है? तो भूतकाल, पास्ट टेंस है। वाक्य का वाच्य वॉयस क्या है? तो कर्तृवाच्य है। वाक्य का प्रकार कैसा है, किस प्रकार का सेंटेंस है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस है।
वाक्य का शब्द विन्यास कैसा है, तो कर्ता कर्म क्रिया यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब है, जो कि हिंदी की विशेषता होती है। इस प्रकार से हम विद्यार्थी को इस वाक्य को व्याकरणिक विश्लेषण के माध्यम से समझा देते हैं, या विद्यार्थी इसके व्याकरणिक विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न तत्वों को समझता है। सिर्फ उसे कारक का ही ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, बल्कि कारक के साथ साथ व्याकरण के अन्य तथ्यों जैसे वाक्य के प्रकार, शब्द के प्रकार, वाक्य का वाच्य काल आदि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम विद्यार्थी को आंग्ल भाषा में अनुदित करने के लिए कहते हैं, विद्यार्थी इसका अनुवाद करता है, राम किल्ड रावण बाई एरो इन लंका। अब वह अपनी भाषा में, अर्थात वो अंग्रेजी भाषी विद्यार्थी, तो आंग्ल भाषा में जो उसके पास कारक का संप्रत्यय है उसके आधार पर वो इस वाक्य में निहित कारकों की पहचान करता है, और जो सीखी जाने वाली भाषा में उसने कारक का संप्रत्यय पढ़ा उसमें वो समानता एवं विषमता स्थापित करने का प्रयास करता है। वो देखता है कि जो मेरी भाषा में कारक का संप्रत्यय उपलब्ध है और जो हमने दूसरी भाषा में पढ़ा कारक का संप्रत्यय, उन दोनों में क्या समानता है और क्या विषमता है। इस प्रकार वह कारक के संप्रत्यय को और अधिक स्पष्ट ढंग से समझ जाता है। अब इस विधि की कुछ विशेषताएं हैं, हर विधि की या इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कह लिया जाए कि जो कुछ भी मौजूद है, जो तथ्य मौजूद है, जो वस्तु मौजूद है, सबकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। तो इस विधि की भी, इस व्याकरण अनुवाद विधि की भी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है कि इसमें व्याकरणिक नियम से पाठ का प्रारंभ होता है, अर्थात व्याकरण का शिक्षण एक स्वतंत्र विधि के रूप में होता है और विद्यार्थियों का संपूर्ण ध्यान व्याकरणिक सिद्धांतों पर केंद्रित होता है। व्याकरण के निश्चित सिद्धांतों को समझने के लिए, उनके स्पष्टीकरण के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, और उन उदाहरणों की सहायता से विद्यार्थियों को निर्देश एवं नियमों को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। इस प्रकार यह विधि विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहयोगी होती है। उदाहरणों को प्रस्तुत करने के पश्चात नियमों के ध्रुवीकरण के लिए, अर्थात नियमों को अपने मस्तिष्क में संजो कर रखने के लिए, उसे याद करके रखने के लिए विद्यार्थियों से अभ्यास करवाया जाता है। पाठ में जो नियम प्रतिपादित किए जाते हैं विद्यार्थी उसको भलीभांति रट लेता है और विभिन्न लिखित अभ्यासों की सहायता से उन्हें अपने मस्तिष्क में सुदृढ़ करने का प्रयत्न करता है। जब नियमों का ध्रुवीकरण हो जाता है तो उनसे अनुवाद कराया जाता है, पहले अन्य भाषा से मातृभाषा में और फिर मातृभाषा से अन्य भाषा में अनुवाद के द्वारा यह देखने का प्रयत्न किया जाता है कि विद्यार्थी ने व्याकरणिक नियमों पर पर्याप्त अधिकार पा लिया है अथवा नहीं। स्वाध्याय के माध्यम से जो विद्यार्थी अन्य भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी विधि है, और इसके साथ ही साथ यह विधि बड़े समूह को जब पढ़ाना होता है तो अति उपयोगी हो जाती है। इस प्रकार से व्याकरण अनुवाद विधि की ये कुछ विशेषताएं हैं। अब जैसा मैंने पहले भी बताया कि हर एक विधि की कुछ विशेषताएं होती हैं तो कुछ सीमाएं भी होती हैं। अब व्याकरण अनुवाद विधि की क्या सीमाएं हैं, इस पे थोड़ी चर्चा हम करते हैं। इस विधि में मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी कुशलता के विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। विद्यार्थी सुनता है, उसको समझता है, लिखता है, अनुवाद करता है आदि आदि, लेकिन उच्चारण के पक्ष पर यहां कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके फलस्वरूप उच्चारण की शुद्धता, अनुतान आदि के अभ्यास की यहां कल्पना भी इस विधि में नहीं की जा सकती है, और किसी भी भाषा का अधिगम बिना वाचन कौशल या भाषण कौशल के पूर्ण हो ही नहीं सकता है, और क्योंकि भाषा का मौखिक रूप ही वास्तविक रूप में भाषा मानी जाती है, और मौखिक रूप यानी उच्चारण, तो जब हम उच्चारण कौशल का विकास ही नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे भाषा का अधिगम पूर्ण होगा। इस प्रकार इस विधि में भाषण या वाचन कौशल पूर्णतया उपेक्षित रहता है। विद्यार्थी बोलकर, वार्तालाप आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति में यहाँ असमर्थ होते हैं, वो
अपने भावनाओं एवं विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। अब इस विधि की जो दूसरी सीमा है, इसमें रटाने पर बल दिया जाता है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराने पर बल दिया जाता है। इसके कारण जिन उदाहरणों का यहाँ प्रयोग किया जाता है वे जीवंत से नहीं लगते, वो बिल्कुल नीरस जैसे लगते हैं, और नियमों को रटाने और रटाने के बाद सीमित अभ्यास, अभ्यास के भी यहाँ पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं, सीमित अभ्यास के द्वारा उनको मस्तिष्क में, उनको स्मृति में सुदृढ़ करने के प्रयत्न से भाषाई कुशलता का विकास नहीं हो पाता है। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ व्याकरण के नियमों को रटकर और स्मृति में सुदृढ़ करने पर केंद्रित हो जाता है। इस विधि में सिर्फ व्याकरण के नियमों को ही नहीं रटवाया जाता है, बल्कि शब्द सूचियां भी याद करवाई जाती हैं, क्योंकि भाषा शब्दों के भंडार के बिना तो सीखी ही नहीं जा सकती है। तो कोई भी भाषा हम सीख रहे हो, हमें उस शब्द का, उस भाषा के शब्द भंडार को विकसित करना होता है। यह कार्य अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि रट कर शब्दों को याद करके रखना बहुत कठिन है, और अगर हम याद भी कर ले तो जीवन के जो हमारे व्यवहारिक संदर्भ होते हैं, जो वास्तविक परिस्थितियां होती हैं, उस भाषा में, उसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इस विधि द्वारा भाषा शिक्षण में विद्यार्थी एक निष्क्रिय श्रोता होता है, वो व्याकरण के नियमों की सिर्फ व्याख्या सुनते रहता है, अधिगम में उसका कोई योगदान नहीं होता है, वो नियमों को कंठस्थ करके और निष्क्रिय बना रहता है। सक्रिय सहयोग के अभाव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं हो पाती है और विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता का विकास नहीं होता है। इस प्रकार भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें सभी भाषाई कौशलों के विकास में सहायता नहीं मिलती है, विशेषतः श्रवण कौशल एवं भाषण कौशल के विकास पर तो इसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने सीखा कि भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि से क्या आशय है, व्याकरण अनुवाद विधि की मान्यता क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, व्याकरण अनुवाद विधि की सीमाएँ क्या क्या हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, अर्थात इस विधि के माध्यम से हम कैसे शिक्षण कर सकते हैं, और इस विधि में प्रयुक्त होने वाले शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, और इसी के साथ हमारी आज की यह चर्चा संपन्न होती है। धन्यवाद।